नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दी करेंट अफेयर शो में। मैं हूं आनंद कुमार और आज के दी करेंट अफेयर शो में हम बात करने वाले हैं, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप संविधान विषय में रुचि रखते हैं या फिर आपने संविधान विषय को पढ़ रखा है, तो आप केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए अहम फैसले के बारे में और ऐतिहासिक फैसले के बारे में ज़रूर जानते होंगे। हाल ही में 6 सितंबर 2020 को इस मामले के मुख्य याचिकाकर्ता केशवानंद भारती का निधन हो गया। तो आज के दी करेंट अफेयर शो में हम केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य से जुड़े हर एक तथ्य को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए आज के दी करेंट अफेयर शो की शुरुआत करते हैं। April 24, 1973 ये वो तारीख है जब भारत में केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला आया। ये वो मामला था जिसने हमें याद दिलाया कि सरकारें संविधान से ऊपर नहीं हो सकती। इस केस ने हमें बताया कि भारत में सत्ता का स्रोत संविधान है, संविधान सुप्रीम है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान को संशोधित करने की संसद की शक्ति असीमित नहीं है। केशवानंद भारती की अपील पर ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ये सिद्धांत कहता है कि संविधान का मूल ढांचा यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर बदला नहीं जा सकता। आज जब देश में प्रचंड बहुमत की सरकार है तो कई बार संविधान के मूल भावना को लेकर, बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर चिंता जताई जाती है। कहा जाता है कि संविधान की मूल भावना के साथ संसद में बहुमत के दम पर समझौता किया जा सकता है। लेकिन 24 अप्रैल 1973 को केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के बाद एक लक्ष्मण रेखा खींच दी गई है। इस रेखा के बाहर चुनी हुई सरकारों को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य को हम इन कुछ बिंदुओं पर आज समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा माना जाता है कि अगर केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट संसद को असीमित अधिकार दे देती संविधान में संशोधन करने का, तो आज हमारा लोकतंत्र इतना फलता फूलता नहीं। सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सुप्रीम कोर्ट के सबसे बड़े फैसलों में से एक माना जाता है। तो इस फैसले के जो मुख्य याचिकाकर्ता थे केशवानंद भारती, तो सबसे पहले हम इनके बारे में जानते हैं। केशवानंद भारती 19 वर्ष के ही उम्र में सन्यासी बन गए थे। उसके बाद केरल के कासिरगोड स्थित इडनीर मठ के प्रमुख बन जाते हैं। इडनीर मठ के पास में 60 से 70 के दशक में बहुत सारी ज़मीनें होती हैं। उसके बाद 1969 में केरल सरकार की तरफ से एक भू सुधार कानून लाया जाता है और इस कानून के तहत इडनीर मठ के लगभग 400 एकड़ ज़मीन को टेक ओवर कर लिया जाता है केरल सरकार द्वारा। इसके खिलाफ केशवानंद भारती जाते हैं केरल हाई कोर्ट, वहाँ उन्हें न्याय नहीं मिल पाता है। तो उसके बाद केशवानंद भारती सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाते हैं और अदालत से कहते हैं अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 25, 26 और 31 के तहत प्रदत्त अधिकारों को लागू करने की मांग करते हैं केशवानंद भारती और कहते हैं कि केरल सरकार द्वारा लाया गया यह कानून इन अनुच्छेदों का उल्लंघन करती है। और ये भी कहते हैं कि केरल सरकार द्वारा बनाया गया कानून उनके संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसके बाद इस मामले पर फैसले के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा अब तक का सबसे बड़ा बेंच गठित किया जाता है। यह बेंच होता है 13 जजों का और इस बेंच को आज़ाद भारत के न्यायिक इतिहास का सबसे बड़ा बेंच माना जाता है। यानी कि पहली बार 13 सदस्यीय एक बेंच का गठन किया जाता है। इस बेंच के जो प्रमुख थे और उस समय सुप्रीम कोर्ट के प्रमुख मुख्य न्यायाधीश भी थे S.M. सिकरी। हालांकि जब ये फैसला सुनाया गया उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में 68 दिनों तक इस मामले पर लगातार सुनवाई चलती रही। इस मामले में 31 अक्टूबर 1972 से सुनवाई शुरू होती है और 23 मार्च 1973 तक सुनवाई चलती है और उसके बाद फैसला सुनाया जाता है 23 मार्च 1973 को। और इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला ये आता है कि संविधान के मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता है। यानी कि संसद जो है संविधान के मूल ढांचे को परिवर्तित नहीं कर सकती। संविधान का मूल ढांचा का परिभाषा क्या है उसे भी मैं आगे बताने वाला हूँ। हालांकि जो 13 जजों का बेंच बैठता है सभी जज एक पक्ष में नहीं होते हैं। हालांकि इस फैसले को सर्वसम्मति से नहीं बनाया गया था, 7 जज पक्ष में थे और इसके अलावा
छः जज जो हैं वो विपक्ष में थे। कहने का मतलब है कि 7 जज ऐसे थे जो ये मानते थे कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो मूल भावना है, उसमें बदलाव नहीं होना चाहिए, बल्कि 6 जज उस पक्ष में थे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर संसद को संशोधित करने का अधिकार दिया जाना चाहिए। तो उसके बाद 7 जज इस पक्ष में आए और 1973 के इस फैसले के बाद ये क्लियर हो गया कि संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, संविधान का जो मूल भावना है, उसमें बदलाव नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर यह भी कहा कि संसद को जो संविधान में संशोधन करने का अधिकार देती है अनुच्छेद 368, इसके तहत संविधान में संशोधन करने की शक्ति संसद के पास तो है, लेकिन वो शक्ति जो है असीमित नहीं है। यानी कि आप संविधान में कुछ भी संशोधन नहीं कर सकते, इसके प्रस्तावना से छेड़छाड़ नहीं कर सकते, यानी कि इसके मूल भावना से आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते, इसे आप नहीं बदल सकते। संविधान को संशोधित करने का अधिकार जो है वो हमारे संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत दिया गया है। दोनों सदन में 2/3 का बहुमत होना चाहिए। इसके अलावा कुछ संशोधन ऐसे भी होते हैं, आपको पता होगा कि आधे से ज़्यादा राज्यों का वहाँ पर बहुमत भी चाहिए होता है। ठीक, इसके बाद हम ये जानते हैं कि आखिर संविधान का मूल भावना है क्या। तो हमारे संविधान निर्माताओं ने न्यायिक समीक्षा, धर्मनिरपेक्षता, स्वतंत्र चुनाव, संघीय ढांचा, संसदीय लोकतंत्र को संविधान का मूल भावना कहते हैं, यानी कि इसे संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर मानते हैं। यानी कि आप अगर कोई कानून बनाते हैं और उसका चाहते हैं कि न्यायिक समीक्षा जो है उसको बदल दिया जाए, तो ये आप नहीं कर सकते, ये संविधान के मूल भावना में आ जाता है। धर्मनिरपेक्षता, यानी कि आप भारत को सभी धर्मों के समान मानेंगे, यानी कि संविधान ये कहता है कि भारत में सभी धर्म समान होंगे, आप धर्म के आधार पर किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। स्वतंत्र चुनाव होगा, संघीय ढांचा यानी कि केंद्र और राज्य दोनों होंगे, और संसदीय लोकतंत्र, ये संविधान का मूल भावना है, ये संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, इसे बदला नहीं जा सकता सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के अनुसार। ठीक है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिया गया ये फैसला न्यायिक शास्त्र में एक सिद्धांत बन गया और इस सिद्धांत को संविधान की मूल संरचना सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसे आप बहुत ध्यान रखिएगा, इस फैसले को न्यायिक शास्त्र में एक सिद्धांत बना दिया जाता है जिसे संविधान की संरचना का सिद्धांत भी कहा जाता है। और इस फैसले के बाद ये क्लियर हो गया कि संविधान सर्वोच्च है, सरकार से भी ऊपर। यानी कि सुप्रीम कोर्ट संसद को संविधान में संशोधन करने का असीमित अधिकार नहीं देती है। ठीक है, क्लियर है। अब कुछ यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ कि संविधान सर्वोच्च है, सरकार से भी ऊपर। संविधान का 39वां संशोधन लाया जाता है और उस समय जब केशवानंद भारती मामला चल रहा था तो उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थी श्रीमती इंदिरा गांधी, और इमरजेंसी के दौरान कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया जाता है जिसमें से एक होता है आपका 39वां संविधान संशोधन। इसके तहत राष्ट्रपति का चुनाव, प्रधानमंत्री का चुनाव, उपराष्ट्रपति का चुनाव, ये सब न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत में ना हो ऐसा संशोधन लाया जाता है। उसके बाद 41वां संविधान संशोधन भी लाया जाता है, इसमें प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के खिलाफ कोई केस नहीं होगा, तो ये संशोधन लाया जाता है। तो जब केशवानंद भारती मामले में सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना चुकी थी कि बेसिक स्ट्रक्चर में किसी प्रकार से कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, तो ये जो दोनों संशोधन लाया गया था इंदिरा गांधी सरकार में, इसे असंवैधानिक करार दे दिया गया। तो ये जो पूरा मामला था केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में, जिसमें हम अगर एक लाइन में समझें कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला था, तो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला था कि आप संविधान में संशोधन कर सकते हैं, लेकिन जो आपका अधिकार है वो असीमित नहीं है और आप संविधान के बेसिक स्ट्रक्चर में बदलाव नहीं कर सकते, यानी कि संविधान के मूल भावना को आप नहीं बदल सकते। तो आप बताइएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, धन्यवाद।